नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रेसिपी देसी मसाला। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि वेज कटलेट कैसे बनाते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हमें फूल गोभी चाहिए और गाजर चाहिए और शिमला मिर्ची बारीक कटी हुई डालेंगे और उसके अंदर धनिया डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे बारीक कटी हुई और दो आलू लेंगे उबले हुए, उनको मसल लेंगे हाथों से और थोड़े हरे मटर डालेंगे और एक पीस ब्रेड डालेंगे, उसका चूरा बना लेंगे अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए दोस्तों, फिर उसमें नमक डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे दोस्तों, फिर हमें लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे थोड़ी सी और थोड़ा टमाटो सॉस डालेंगे दोस्तों, थोड़ा सा ही डालना है दोस्तों, टमाटो सॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर हाथों की सहायता से उसे मिला लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से अपन मिला लेंगे। फिर उसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे 2 चम्मच। ये देखिए दोस्तों, फिर इससे भी बढ़िया अच्छे से मिला लेंगे। फिर उसके बाद हम एक ब्रेड का पीस का चूरा बनाएंगे और उसमें कॉर्नफ्लोर डाल के और मिला लेंगे। हम 2 पीस बना रहे हैं इसमें, तो ये देखिए दोस्तों, और फिर थोड़ा थोड़ा डाल के उससे बड़े हाथों की सहायता से उसकी साइज़ बनानी है दोस्तों, आप अपने हिसाब से साइज़ बनाइएगा। देखिए दोस्तों, ऐसे साइज़ बना दीजिएगा दोस्तों। फटा हुआ नहीं रहना चाहिए दोस्तों, जहाँ से फट रहा है उसको बड़े अच्छे से ये करिएगा। जब दोस्तों आप हाथों से मसलते हो ना, तो उसको थोड़ा अच्छे से मसलिएगा, ताकि फटेगा नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये जो ब्रेड का और अरारोट का जो चूरा है ऊपर लगाएंगे, ताकि इससे क्या होगा, क्रिस्पी बनेगा हमारे जो कटलेट है, कुरकुरे टाइप के बनेंगे, ठीक है ना दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, दोनों दोस्तों ऐसे ही साइज़ के बना लेंगे सेम सेम। और फिर हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसके अंदर तेल गरम करेंगे, तेल हल्का गुनगुना होने के बाद उसमें डाल देंगे दोस्तों। तेल उतना रखना है हमें कि हमारा जो कटलेट बनाए हैं हमने, तो उसमें अच्छी तरह से डूब जाए। ये देखिए दोस्तों, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए दोस्तों तेल, नहीं तो क्या है कि अच्छे से अंदर से पकेगा नहीं और जल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। पलटे की सहायता से हम पलटते रहेंगे। उसके अंदर हमने दोस्तों थोड़ी फिंगर चिप्स डाली है, पोटैटो चिप्स जो होती है। ये देखिए दोस्तों, बड़े अच्छे से उनको ब्राउन होने तक पकाना है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कम से कम दोस्तों, कम से कम 5-6 मिनट तक बड़े अच्छे से पकाइएगा। आपकी जो गैस की आँच है उसको कम रखिएगा, ज़्यादा तेज़ करोगे दोस्तों बाहर से जल जाएगा और अंदर से पकेगा नहीं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बड़े लाल होने तक पकाएंगे। बड़े अच्छे से पका लेंगे दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। फिर चिमटे की सहायता से इनको निकालेंगे दोस्तों, किसी पेपर या कपड़े की सहायता से इसे तेल को पोंछ लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम पेपर की सहायता से बड़े अच्छे से इसका तेल पोंछ रहे हैं। फिर हम एक प्लेट लेंगे, उसके अंदर ककड़ी और टमाटर के 3 पीस लगाएंगे उसमें सजाने के लिए, और हमने जो पोटैटो चिप्स रखी है उसको भी रख देंगे। दिया ऊपर चाट मसाला डालेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों,
दोस्तों हमारा वेज कटलेट बनकर तैयार हो गया दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। तो हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। धन्यवाद।